प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि वे देशवासियों से क्षमा मांगते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे फैसले लेने पड़े हैं जिनसे देशवासियों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। वहीं पीएम मोदी ने गरीबों से विशेषकर क्षमा मांगी है। उन्होंने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ फैसलों की वजह से आपकी जिंदगी में परेशानी आ गई है, गरीबों को खास दिक्कत हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे मालूम है कि आप में से कुछ हमसे नाराज भी होंगे, लेकिन कोरोना से लड़ने के लिए ये कदम जरूरी थे। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस इंसान को मारने की जिद ले बैठा है, इसलिए लॉकडाउन आपको बचाने के लिए लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हमारे जो फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, उनसे आज हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है और डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ से हमें सीखने की जरूरत है। गौरतलब है कि 24 मार्च को रात 8 बजे देश के नाम संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च की आधी रात से देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। वहीं आज लॉकडाउन का पांचवा दिन है। लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट